नमः शिवाय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष बुधवार त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:35 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, चंचल, बुद्धिमान, धनी और साहसी होते हैं। ये हंसमुख, हाजिर जवाब, चौकन्ना रहने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे जातक शीघ्र ही उत्तेजित होने वाले और भावावेश में आकर प्रतिशोध वाला व्यवहार भी करने लगते हैं। ये धार्मिक पृष्ठभूमि के समर्थक, उन्नतगामी विचारधारा वाले और नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा दिन में 2 बजे तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज से बृहस्पति तुला राशि में मार्गी हो चुके हैं। जिनके कारक ग्रह बृहस्पति हैं, उनके कामों में चल रहे विवाद और बाधाएं समाप्त होंगी। जिन जातकों के स्वास्थ्य के कारक ग्रह बृहस्पति होंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार और पहले की चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। अर्थात प्रत्येक जातकों पर बृहस्पति का शुभ और अशुभ प्रभाव उनके अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों की धन संबंधी मामलों में पहले से बेहतर स्थिति होती जाएगी। कोशिश कामयाब होगी और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। वाणी का परिष्करण होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी और नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आत्मविश्वास और क्रियाशीलता में कमी और चल रहे कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पकड़ में न आना संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगा और मानसिक सक्रियता कायम रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा और साझेदारी सफल रहेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं। दिनचर्या सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगी। घर गृहस्थी, संतान और स्वजनों पर निवेश की स्थिति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि व्यावसायिक प्रेरणा जारी रहेगी। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आय की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा और कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता में वृद्धि होगी। सरकारी विभाग से सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी, मगर संतान संबंधी मामलों में मानसिक दबाव बना रहेगा और संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परिश्रम में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रति निरंतर विकास और लाभ का संकेत मिलता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग और उसके प्रति होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रेरणा व शासन सत्ता का सहयोग भी शामिल रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और किया गया प्रयास हर काम के प्रति सफल रहेगा। साथ ही शुभत्व में और वृद्धि होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटों में कमी आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई व्यावसायिक योजनाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे और व्यावसायिक यात्रा के योग बनते हैं।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गति बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ और जमीन मकान वाहन संबंधी योग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना सहयोगी प्रभाव में माना जाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव में सुधार होगा और पहले की परेशानियों की पुनरावृत्ति में कमी आएगी। मगर साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। आय संबंधी मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कार्य योजनाओं में रुकावट का संकेत मिलता है। आपकी राशि से चंद्रमा का छठ में बैठना सरकारी सहयोग में कमी और मन मुताबिक काम के ना होने का संकेत करता है। हालांकि बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में होने से नई कार्य योजनाओं में सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का एहसास होगा। पहले की चली आ रही दिक्कतों में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में चलने से आत्मसंतुष्टि में थोड़ी कमी, कामों में रुकावट और पारिवारिक चिंता की मनोवृत्ति संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ी रहेगी और सम्मान के पात्र बनेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातक पारिवारिक सुख, संतुष्टि और सुकून महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता में कमी, मगर निजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक अस्थिरता संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहेगी। भूमि और वाहन लेने का योग भी जारी है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक लाभ भाग्यवश अच्छा होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक प्रयासों में सुधार होगा, मगर कार्य क्षेत्र के विस्तार में मानसिक अस्थिरता कायम रहेगी। हालांकि उच्च अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं में आपके प्रयास सार्थक होंगे और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे। मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। निरंतर अभ्यास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।